गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस वीडियो फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 9, दैट इज एपी एंड जीपी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिस्कस दिस टॉपिक एपी। एपी स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन इज अ सक्सेशन ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड अ सीरीज। ठीक है, सीरीज का मतलब क्या है? किसी नंबर्स का बढ़ना जो है एक सीरीज कहलाता है। एंड द सीरीज इन विच द डिफरेंस ऑफ द टू सक्सेसिव टर्म्स इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट इज कॉल्ड एन एपी। तो एक ऐसी सीरीज जिसमें डिफरेंस जो होगा वो इक्वल होगा उसे हम एपी बोलेंगे। अब आप देखो यहाँ पर 7 में आप 2 प्लस करो 9 आता है, 9 में 2 प्लस करोगे तो 5 नहीं आता, 5 में 2 प्लस करोगे तो 6 नहीं आता है। तो इसका मतलब ये एपी नहीं है। लेकिन आप यहाँ देखो 2 प्लस 4 2 2 2 प्लस 2 4 4 प्लस 2 6 6 प्लस 2 8 8 प्लस 2 10। मतलब कहने का ये है कि डिफरेंस अगर आप सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हो तब भी 2 आंसर आएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करो तब भी 2 है, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करेंगे तब भी 2 है। तो इस तरह से हम डिफरेंसेस को चेक करते हैं। अगर डिफरेंसेस या कॉमन डिफरेंसेस को बोलते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस जो है इक्वल है तो दैट सीरीज इज कॉल्ड एन एपी। ठीक। नाउ स्टूडेंट, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एनेट टर्म ऑफ सीरीज। अगर किसी सीरीज का एनेट टर्म गिवन है तो आप सीरीज जनरेट कर सकते हो। जैसे ये मैंने एनेट टर्म दिया है, एनेट स्टैंड फॉर एनेट को हम लोग लिखते हैं टी एन, या किसी किसी बुक्स में ये ए एन भी लिखा हुआ है। जैसे हमारी बुक में ये ए एन लिखा हुआ है तो ए आप ये लिख सकते हो ए एन, ए ये सफिक्स में नीचे एन है, ए एन इज इक्वल टू ए की पावर एन है हमारा। ठीक। तो मुझे कैसे सीरीज से डेवलप करनी होगी? तो मुझे सीरीज के लिए चाहिए होगा एन की वैल्यू 1 डालूँ, 2 डालूँ, 3 4, इस तरह से वैल्यूज डाल के सीरीज बनेगी। तो मेरा ए वन कितना होगा? पहली टर्म जो बनेगी ए वन वो बनेगी ए की पावर 1, तो ये ए होगी। फिर ए टू ए की पावर 2, ठीक, ए स्क्वायर ए की पावर 3। तो इस तरह से आपकी जो सीरीज होगी वो बन के आ गई। सीरीज क्या होगी आपकी? ए ए स्क्वायर ए क्यूब और इस तरह से चलेगी। तो ये हमारा एनेट टर्म का रोल होता है। अब हमें कोई पर्टिकुलर टर्म निकालनी है एनेट टर्म से। तो देखो जैसे इसको एग्जांपल के अंदर एनेट टर्म दिया है हमें ये 3n+1 होल स्क्वायर और हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन देते हुए कि हमें टी एन क्या गिवन है। टी एन इज 3n+1 होल पावर 2। सो देयर फोर यहाँ पर आपको पुट करना है एन की जगह 5, क्योंकि उसने फिफ्थ टर्म पूछी है। तो टी 5 इज स्टैंड फॉर फिफ्थ टर्म। सो 3 × 5+1 होल स्क्वायर। तो 3 × 5 कितना हो गया? 3 × 5 = 15, 15+1 = 16, 16 का होल स्क्वायर। तो 16 का होल स्क्वायर जो है 256 होता है और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। अब आगे देखो आप। तो स्टूडेंट, आज हमारा जो डिस्कशन रहेगा एक्सरसाइज 9.1 के लिए रहेगा, और 9.1 के अंदर जो है एपी का तो कोई रोल नहीं है, लेकिन उसमें सीरीज और सीक्वेंस के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर हमारी मास्टरी बहुत ज़रूरी है कि कैसे सीरीज को होल्ड किया जाए, कैसे सीरीज को डील किया जाए, तभी हम एपी को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो आज का जो आपका टास्क रहेगा वो 9.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ठीक, थैंक यू।